गुरुग्राम के सेक्टर 12 में बेशकीमती जमीन को लेकर जमीन मालिक ने गुरुग्राम के विधायक व हुड्डा विभाग के अधिकारियों पर जमीन पर जबरन रोड बनाए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि करीब 3000 गज की पुश्तैनी जमीन को खरीदने के लिए गुरुग्राम के विधायक ने कई बार ग्राहक भेजे, लेकिन मालिक ने जमीन नहीं बेची, जिसके बाद हुड्डा विभाग जबरन उस पर रोड बना रहा है, जबकि मामला कोर्ट में है और जमीन पर गुरुग्राम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। उसके बाद भी हुड्डा विभाग इस पर रोड बनाने जा रहा है। जमीन के मालिक का कहना है कि हुड्डा की दादागिरी के खिलाफ हम सीएम खट्टर से मिलेंगे और सारे मामले की जानकारी देंगे। हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। मैं इस जमीन का शेयर होल्डर हूँ और हमारी जमीन काफी साल से यहीं पर ही है और अभी भी हमारे पास ही है। हुड्डा ने कुछ नहीं किया हुआ यहाँ पर और जबरदस्ती वो रास्ता फिजिकल भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में हर तरीके से कब्जा हमारा है। परसों जब कोर्ट में हियरिंग हुई थी, जज साहब ने पूछा था उसका डॉक्यूमेंट दिखाइए, वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई। क्या बिल्कुल यही होता था, हम तो मतलब ऑर्डिनरी साधारण नागरिक है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये टोटल कितना एकड़ जमीन, कितना जमीन है, कितना इसका साइज क्या है? इसके 3600 गज के आसपास है ये वाला। अच्छा, और इसके मार्केट प्राइस क्या है? इसका मार्केट प्राइस है 85,000 रुपये। हुड्डा का रेट है, अपना सर्कल रेट है 85,000 कमर्शियल लैंड का। इस सेक्टर में काफ़ी, जैसे हुड्डा प्रशासन आया हुआ था, हम भी उसको देखने के लिए चले गए और पता नहीं उन्होंने क्या ऑब्जर किया। ये देखो, आँख बच गई मेरी, जैसे जिन्होंने चोट मारी, ये तो उग्र रूप धारण किया हुआ है जी। इन्होंने पुलिस में से ही है जी, इन्होंने मारे पुलिस ये उनका नाम विजेंद्र सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, और मेरे पिताजी को गर्दन पकड़ के ऐसे नीचे गिरा दिया। मैं उनको बचाने गया था, मुझे मारा जी। जो सीनियर सिटीजन है जी, 70 के आसपास बीमार है वो तो जी, मेरे को खुद को बुखार है। मैं तो बुखार में इनको इसलिए कि भाई पता नहीं क्या बात हो गई, एकदम इतने पुलिस वाले आ गए हमारे इस पे। कोर्ट केस जैसे बताया गया, अभी कोर्ट केस चल रहा है इसका, माननीय कोर्ट से स्टे ऑर्डर हमारे पास है, लेकिन ये तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है जी। इनसे पूछते हैं कोई डॉक्यूमेंट दिखाते तो ये कहते हैं कि हमारे पास नहीं है कुछ भी, जाओ कोर्ट में जाओ। प्रशासन है जी, अब हम तो कोई इससे लड़ाई कर नहीं सकते। देखो पूरी तरीके से इन्होंने मेरे को ऐसा मारा, पूरी तरीके से दादागिरी है हरियाणा प्रशासन की। ये मेरी लैंड है जिसका ओनर हूँ मैं, आज नहीं पिछले 200 साल से ज़्यादा से हमारे परिवार इसका ओनर है। और हमें स्टे मिला हुआ है कोर्ट से फरवरी से, जिसकी एक तारीख परसों फरवरी में हमें स्टे मिल गया था। ये जिनमें पार्टी है बीच में भी आए, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस भी चल रहा है, उसके बावजूद भी 31 तारीख को इसकी डेट लगी हुई थी, जिसका ये ऑर्डर की कॉपी है मेरे पास, 31 तारीख को भी इनको ज़बरदस्ती फटकार लगी है गुड़गांव कोर्ट से और कोर्ट ने स्टे कंटिन्यू रखा है। अब इसकी नवंबर की तारीख लग गई है, लेकिन ये फिर भी प्रशासन तुला हुआ है ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए। कब्जा करने सब इसके लिए उमेश अग्रवाल जो यहाँ के विधायक हैं, वो इसको परचेज भी करना चाहते थे। बार बार ग्राहक भेजते हैं हमारे पास, हमने मना कर दिया कि हम नहीं बेचेंगे इस लैंड को। और इस सेक्टर के एक प्रधान है मिस्टर चौधरी ओम प्रकाश कटारिया, जो खुद एक सजायाफ्ता मुस्लिम रहे हैं, वो इसके प्रधान बने हुए हैं, सेक्टर के ज़बरदस्ती प्रधान बने हुए हैं। और ज़बरदस्ती वो अपना वो चाहते हैं कि हम उनको लैंड दे दें किसी भी तरीके से।